जनधन खाते में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 500 रुपए निकालने के लिए भोपाल में कई जगह महिलाएं लॉकडाउन तोड़ती हुई नजर आईं। भोपाल के बरखेड़ी स्थित SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती रहीं, लेकिन किसी जवाबदार का ध्यान इस ओर नहीं था। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बड़ी बेमानी लगती है। दरअसल भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाता धारकों के खाते में 500-500 रुपये की 3 किस्तों में भुगतान किए जाना है, जिसमें पहली किस्त डाल दी गई है, जिसे लेने के लिए सभी बैंकों में महिलाओं की लाइनें लग गईं। यहाँ ना डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, ना सैनिटाइजेशन जैसी कोई व्यवस्था है। महिलाएं भी किसी की सुन नहीं रही हैं, जिसके कारण बैंक कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह महिलाओं ने बैंक के सामने झुंड बना रखा है। बैंक के कियोस्क संचालक भी इस भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं और इस इलाके में पुलिस प्रशासन भी नदारद नजर आ रहा है। SBI ग्राहक सेवा केंद्र में भीड़ लगने से आसपास के रहवासी भी डर के माहौल में जी रहे हैं और रोज सुबह बैंक के सामने लगने वाली भीड़ से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री आ रहा है, जो 500 रुपये डाले गए हैं ग्राहकों के खाते में, वो सब वितरण का काम किया जा रहा है। हम लोगों को वैसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि शासन हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है और यहाँ पे पब्लिक जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, हम लोगों से बदतमीजी करती है। हम लोग चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा बदतमीजी करती है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखती है। सर, हमारे घर के सामने एक उसका बैंक है जी, तो वहाँ से जो महिला पैसे लेने आती हैं, जो मोदी जी ने पैसे डाले उनके खाते में जी, डिस्टेंस बना के भी नहीं खड़ी होती हैं। हमारे घर के सामने पटिया है, वहाँ भी बैठ जाती हैं जी। उससे हम लोग को भी खतरा है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे को छूने से लग रही है जी। आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि इन लोग को कंट्रोल में रखें और जो पैसा आया है उसका कोई दूसरा अल्टरनेट मिले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।